नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। खबर नालंदा से है। नालंदा जिले में बंदोबस्ती के नाम पर घोटाले और मनमानी करने का मामला लगातार जारी है। अभी नूरसराय प्रखंड में तालाब बंदोबस्ती में गड़बड़ी का मामला उजागर होने के तुरंत बाद ही इस्लामपुर प्रखंड में भी बंदोबस्ती के नाम पर गड़बड़ी और राजस्व की हानि का मामला प्रकाश में आया है। पूर्व संवेदक के अनुसार इस कोरोना काल में जिले में कई ऐसे बंदोबस्ती थी जो सरकारी कर्मचारियों के द्वारा नहीं किया गया था, या फिर यूं कहें कि कोरोना काल में संवेदकों को इस बात का भय था कि कोरोना के 81 दिन को छोड़कर ही किसी भी बंदोबस्ती में भाग लेकर बंदोबस्ती ली जाए। इस्लामपुर प्रखंड में भी बंदोबस्ती को लेकर 3 तारीख का ऐलान किया गया, परंतु लॉकडाउन के कारण बंदोबस्ती में संवेदक भाग नहीं ले सके। संवेदकों का आरोप है कि नगर पंचायत के कर्मचारियों के द्वारा व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए इस्लामपुर प्रखंड के बस स्टैंड और बाजार का ठेका दे दिया गया, जबकि सरकारी नियमानुसार बस स्टैंड, बाजार, तालाब और पशुहाट बाजार का बंदोबस्ती एक साथ होना चाहिए। यही सवाल कर्मचारियों के क्रियाकलाप पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। इन्हीं सभी गड़बड़ियों को लेकर नगर विकास मंत्रालय से जांच के लिए आवेदन भी दिया गया, जिसमें बंदोबस्ती के नाम पर घोटाले करने की बात कही गई है। 78,79,000 निकाला गया था, जिसमें हम लोग गए बात भी किए तो बोले कि नहीं, इससे पैसा कम नहीं होगा। और अटेंडम 19 तक के विज्ञापन था और 20 तारीख को किसी दूसरे आदमी को 45,00,000 में टेंडर दे दिया, जो बिना विज्ञापन के, और हमें भी मालूम नहीं था। क्या लग रहा है, घोटाला लग रहा है, गड़बड़ झाला क्या लग रहा है? इसमें बिहार सरकार का राजस्व का बहुत बड़ा घोटाला है, किसी अन्य आदमी से पैसा लेकर उनको टेंडर दिया गया। तक क्या, कौन लोग दोषी हैं इसमें? इसमें कार्यपालक अभियंता और एक हैं बड़ा बाबू रवि सिंह, वही ये सब किए हैं। कार्रवाई हुई है? कार्रवाई अभी नगर विकास मंत्रालय में दिए हैं आवेदन, जो डीएम साहब यहाँ गया, एक सप्ताह में रिपोर्ट विभाग से मांगा गया है, और एक डीएम साहब को भी आवेदन दिए थे, वही रिपोर्ट अति ऑफिस से मांगा गया है। क्या नाम है? राकेश। स्थानीय लोगों की माने तो इस्लामपुर में बंदोबस्ती के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है। तालाब में उराई के नाम पर बंदोबस्ती नहीं की जाती है, लेकिन जब कर्मचारियों से सवाल पूछा जाता है तो आनन फानन में तालाब और पशु हाट का बंदोबस्ती निकालने की बात कही जाती है, बावजूद यहां पर प्रशासन मौन है। अगर जिले की बात छोड़कर सिर्फ इस्लामपुर में सही तरीके से जांच कराई जाए तो बंदोबस्ती के नाम पर हो रहे सरकारी खजाने में हो रहे हानि की भी बात लोगों के सामने आ जाएगा। लॉकडाउन के चलते कुछ लोग मने घर से कम निकलते हैं, लेकिन हम लोग जैसे आदमी, जनप्रतिनिधि आदमी को भी मालूम नहीं है कि नगर पंचायत से इस्लामपुर में टेंडर किया जा रहा है। कितना का होना था, कितना का हुआ है टेंडर? अगले वर्ष जो टेंडर हुई थी 72,00,000 में, और इस बार विशेष अपने आदमी को बिना टेंडर निकाले हुए 45,00,000 में टेंडर दे दी गई है। क्या लग रहा है सरकार का राजस्व में बहुत बड़े पैमाने पर घपला है नगर पंचायत के द्वारा। इसके लिए विज्ञापन नहीं निकाला गया था? नहीं, इसके लिए विज्ञापन नहीं निकाला गया। क्या नाम? वही नगर पंचायत के अधिकारियों का कहना है कि इस्लामपुर में जो भी बंदोबस्ती की गई है उसमें पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जा रही है। संवेदकों का जो आरोप लगाया गया है वह बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके पूर्व जब 2 तारीख का ऐलान किया गया था उस वक्त कोई भी संवेदक इस बंदोबस्ती में नहीं पहुंचा। जब 18 और 19 तारीख को बंदोबस्ती की फिर से हुई, जिसमें कुछ तकनीकी कारणों से बंदोबस्ती नहीं हुई, लेकिन उसके अगले दिन ही 20 जुलाई को अस्थायी समिति के सदस्यों और अन्य नगर पंचायतों की सहमति से 45,00,000 में बस स्टैंड और बाजार बंदोबस्ती की गई। बता रही है। नहीं, राजस्व के हानि तो हम लोग कार्यालय द्वारा या बंदोबस्ती पदाधिकारी या सशक्त अस्थायी समिति के द्वारा तो राजस्व के हानि के नुकसान ना हो, इसलिए तो डाक किया गया है। मैंने डाक हुई है, और अगर तीसरी बार भी डाक नहीं होती तो फिर अगला महीना भी प्रभावित होता, तो वो राजस्व का नुकसान हो जाता लगभग 6,00,000।
8 लाख रुपया। तो पूर्व संवेदक कहना है कि कुछ गड़बड़ी करके व्यक्ति विशेष को ये दे दिया गया है डाक। पूर्व संवेदक ने कभी डाक में भाग लिया ही नहीं, क्योंकि डाक में भाग लेने के लिए बैंक डीडी की जरूरत होती है, डीडी बैंक डीडी या बैंक ड्राफ्ट का, वही जमानत के रूप में जमा करना होता है। तो वो जमानत के रूप में कभी भी भाग नहीं लिए, न मार्च में लिए, न मई में लिए, और न ये 18-19 जून को लिए। ये कभी भी कार्यालय आया ही नहीं, कभी भी कार्यालय नहीं आया। अब सवाल यह उठता है कि हर साल इस्लामपुर प्रखंड में पूरी सैरात की बंदोबस्ती 72 लाख से ऊपर होता था, तो इस बार बंदोबस्ती 45 लाख में ही क्यों दिया गया, जबकि कोरोना काल में 81 दिन को काटकर अब बंदोबस्ती की एक मुफ्त रकम 62 लाख होता है, तो फिर 45 लाख में क्यों किसी व्यक्ति विशेष को यह बंदोबस्ती दिया गया। आखिर इसमें हर हाल में सरकार को ही राजस्व की हानि पहुंचाई गई है। फिलहाल इस मामले पर नगर विकास विभाग व मंत्रालय ने भी 7 दिनों में जांच रिपोर्ट देने की बात कही है।